डीएसएफडी कॉलेज द्वारा 2 दिवसीय आर्ट एंड डिजाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के आर्ट व फैशन डिजाइन का कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं द्वारा घर में बेकार पड़ी वस्तुओं को नया रूप देकर प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही छात्राओं ने पुराने कपड़ों से नई आकर्षक ड्रेस बनाई, जिसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई। डीएसएफडी कॉलेज की एमडी तृप्ति ने बताया कि कॉलेज द्वारा 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आर्ट एंड फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन कर वेस्ट मटेरियल से कई आकर्षक पेंटिंग व अन्य वस्तु बनाई है। वहीं प्रदर्शनी में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे छात्रों ने अपना कला का प्रदर्शन करते हुए पुराने कपड़ों को नया लुक दिया है, जिसका फैशन शो शनिवार को किया जाएगा। सर बेसिकली सबसे पहले नमस्कार मेरा सभी को। मेरा नाम तृप्ति कुमारी हूँ, मैं डीएसआईएफडी की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा डीएसआईएफडी कॉलेज है जहाँ पर हम फैशन और इंटीरियर के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, कोर्स कराते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो ये कि आपके पास टैलेंट रहेगा तो आप आगे कुछ भी काम कर सकते हैं, या तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया है। हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि बच्चे अपने काम को डिस्प्ले करें, अपने काम को प्रमोट करें, और उसके लिए वर्कशॉप एग्जीबिशन सबसे अच्छा माध्यम होता है कि एक ही जगह पे सारे बच्चों का काम डिस्प्ले हो और सभी आके बच्चों का काम देखें। तो हमारी जो एग्जीबिशन का नाम है द डिज़ाइनर चौक नाम है, जिसमें हमने 2 दिन का एग्जीबिशन रखा है, 9th और 10th सितंबर को। आज हमारा फर्स्ट डे है, जिसमें बच्चों ने पिछले 15 दिन से बहुत मेहनत की है। मतलब उसमें बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से कलेक्शन बनाया है, जैसे वेस्ट लकड़ी ला के बच्चों ने लैम्प बनाया है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कि बेस्ट से हम कितना अच्छा निकाल सकते हैं। स्टूडेंट फैशन के बच्चों ने गारमेंट्स बनाए हैं, ज्वेलरीज बनाई हैं, दिवाली फेस्टिवल के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मतलब बच्चे अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट में, तो उसी के लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। आगे भी हमारे ऐसे वर्कशॉप्स होते रहेंगे, ऐसे एग्जीबिशंस होते रहेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप एग्जीबिशन में विजिट करिए, बच्चों के काम को प्रमोट करिए, बच्चों के काम को सपोर्ट करिए, तो बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।